हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल परफेक्टली। और आज की इस वीडियो में देखने वाले सॉलिड डिजिटल सैटेलाइट डीबी मीटर का अनबॉक्सिंग। तो ये हमने ऑनलाइन सॉलिड डॉट सेल के वेबसाइट से ऑनलाइन मंगाया है, तो आज इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने सॉलिड कंपनी का सैटेलाइट डीबी मीटर, जो कि मॉडल नंबर है SF810DLX। आप देख सकते हैं एकदम नया लॉन्च हुआ है दोस्तों, 2022 का है, 2022 में एकदम नया नया लॉन्च हुआ है और बेस्ट है एकदम। मैं आपको बता दूं, अभी हम इसका रिव्यू देखने वाले हैं। तो चलिए मैं इसका ओपनिंग करता हूँ। इसमें क्या क्या फीचर है आप ऊपर बॉक्स में देख सकते हैं। इस पर 3.5 TFT LCD स्क्रीन लगी है और सपोर्ट करता है DVB S और S2 और स्पेक्ट्रा एनालाइज़र भी है इसमें, और मल्टीलिंगुअल OSD एंड फ्रेंडली UI। तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए साबित होने वाला है। जो भी आपने आज तक डीबी मीटर यूज़ किए, इसको ये टक्कर देने वाला है। तो इसमें TV भी चल जाती है दोस्तों। ख़ास बात तो यही है कि आपके जो भी डिजिटल मीटर है उसमें सिर्फ रीडिंग बताते हैं डिजिटल में, इसमें आपको चैनल भी चलते हुए नज़र आएंगे। इससे काफ़ी आसानी से आप कोई भी सैटेलाइट्स या एंटीना सेट कर सकते हैं। और इसमें 4 पोर्ट मिलते हैं आपको, CCTV भी देख सकते हैं आप, HDMI और बाकी सारे और फीचर है। आप अनबॉक्सिंग करके हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इसको खोलते हैं। अभी हमने बॉक्स को ओपन कर लिया है और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो आपके सामने पेज है सैटेलाइट डीबी मीटर SF810DLX। तो सबसे पहले हम मीटर को ही देखेंगे, वह क्योंकि ख़ास बात इसमें यही है मीटर। तो इसके सामने साथ में एक्सेसरीज आती है। इसके साथ में आते हैं इसका ट्रैवल अडेप्टर, जो कि चार्जिंग का पोर्ट है और काफ़ी देखने वाले हैं हम। तो सबसे पहले हम मीटर ही देखने वाले हैं। तो मीटर देख सकते हैं आप, इसके साथ कवर भी आया है पीले कलर का, और इसके नीचे आया है ये यूज़र मैनुअल। इसको अच्छे से पढ़ लेना है जब भी आप यूज़ करने वाले हैं। तो यूज़ आप सॉलिड का मैनुअल चेक करने वाले हैं तो उससे बेहतर है आप वीडियो देख ले, क्योंकि मैनुअल से काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है। और ये हमारा अडप्टर चार्जिंग का 15 वोल्ट का, और ये है 3-in-1 जैक पोर्ट का, जो कि TV से कनेक्ट होता है। और ये हमारा हैंगिंग बेल्ट है, इसको इसकी मदद से आप मीटर को लटका सकते हैं। इसको लटकाने के लिए दो आपको ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। और ये क्या चीज़ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो ये CCTV के कनेक्टर है, नहीं तो आप पूछेंगे क्या है। तो ये CCTV का कनेक्टर है, और ये आप देख सकते हैं ये सैटेलाइट का कनेक्टर है। सैटेलाइट मतलब आपका डिश एंटीना का कनेक्टर, केबल कनेक्टर। तो इसको LN भी लगने वाली है। और अभी हम देखते हैं, इसको पहले बाहर से देख लेते हैं कि क्या क्या कैसा है ये। ये देखिए, इसमें 4 पोर्ट लगे हुए, एक RF कुछ तो लिखा है उसमें, हम LN भी लगाते हैं। और ये USB का है अपग्रेड करने के लिए, और ये तीसरा नंबर HDMI का है जिससे आप स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं, और TV को या कुछ को भी, मतलब किसी भी स्क्रीन को आप अटैच कर सकते हैं। और ये ऑन ऑफ की बटन है, और ये चार्जिंग पोर्ट है। और देख सकते हैं आप, इसमें एयर पासिंग के लिए क्रैचेस बनी है। और ये ख़ास बात है, इसमें रबर का जो कवर आया है पीले कलर का, ये भी अच्छा है, ग्रिप अच्छी आती है इसमें। तो हमने इसको ऑन कर लिया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये लोडिंग हो रहा है, सॉलिड S2 लिखा हुआ है। और देखिए दोस्तों, ऊपर बैटरी का लोगो दिख रहा है, एकदम फुल बता रही है। नहीं तो कोई कोई कंपनी में क्या आता है,
चार्जिंग आती ही नहीं है, पहले चार्ज करना पड़ता है फिर ऑन होता है वो, तो इसमें चार्जिंग भी फुल है। तो मेनू देख सकते हैं आप, इसमें सैटेलाइट, सैटेलाइट का ऑप्शन है, फाइंड, सेटिंग, चैनल, मीडिया और अपग्रेड। मैं आपको नज़दीक से बता देता हूँ, फिर से देखिए, सैटेलाइट, फाइंड, सेटिंग, सैटेलाइट, फाइंड, सेटिंग, चैनल, मीडिया, अपग्रेड। और सैटेलाइट में जाने के बाद देखिए आपको क्या क्या मिलता है, एंटीना सेटिंग। इसमें एंटीना सेटिंग में आप देख सकते हैं, आपको जो आपका एंटीना या डिश या छतरी जिस उसका जो सेटिंग है, उसको कौन से डिश का करना है, डीडी फ्रिज डिश या एयरटेल, मैं आपको लिस्ट बता दूँ यहाँ पे, देखिए ओके करके आपको सभी नज़र आएंगे सैटेलाइट। जैसे मैंने ओके कर दिया है तो डीडी फ्री डिश, टाटा स्काई, एयरटेल, D2H, ऐसे कुल 61 सैटेलाइट इसमें सेट कर सकते हैं आप। और ये बहुत ही अच्छा, आपको एकदम बेनिफिट होने वाला है, घंटों का काम मिनटों में होने वाला है आपका। तो बाकी जो भी सैटेलाइट डीबी मीटर है उससे काफ़ी बेहतर है ये। हाँ, हालांकि थोड़ा कॉस्टली हो सकता है ये, लेकिन बहुत अच्छा है, मैं यही कहना चाहूँगा। तो देखिए इसमें मोटर सेटिंग, मोटर सेटिंग में आप जो भी अपना सैटेलाइट बॉक्स है उसकी सेटिंग कर सकते हैं। और सैटेलाइट लिस्ट उसके बाद में आता है, सैटेलाइट लिस्ट, टीपी लिस्ट, इसमें ट्रांसफ़र फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं। टीपी लिस्ट में, सैटेलाइट लिस्ट में आप सभी सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं, लॉन्गिट्यूड, डायरेक्शन एक्सेट्रा आपको बता देगा कि आप कौन से डायरेक्शन में ये आते हैं और कौन से डायरेक्शन में कौन से लॉन्गिट्यूड इसमें आती है। तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत आपको गिरेगी नहीं। तो हम डायरेक्ट जाते हैं, अभी फाइंड में जाते हैं। तो फाइंड में देखिए क्या क्या आता है। तो फाइंडिंग में सबसे मेन यही है, जब भी आपको कुछ सेटिंग करना है या चैनल सिग्नल लाना है तो इसका ही ज़रूरत गिरेगा। अभी आप देख सकते हैं नीचे स्ट्रेंथ एकदम 55 बता रहे हैं, लेकिन इसको कुछ भी कनेक्ट नहीं है, LNB का केबल वगैरह कुछ भी कनेक्ट नहीं है इसलिए। और जैसे ही आप इसको कुछ LNB का केबल अटैच करेंगे तो क्वालिटी भी आपको बता देगी और बीप करने लगेगा आपका मीटर, उसमें बीप की सेटिंग है। और देखिए इसमें कितने सैटेलाइट है आप सेट कर सकते हैं, आपको सिर्फ फाइंडिंग में जाना है और सैटेलाइट सेलेक्ट करके बस। और इसमें देखिए रेड कलर से जूम भी होता है, मतलब आप ये देखिए, मैं रेड कलर F1 दबाइए तो इसमें जूम भी होता है, मतलब आप अगर दूर से भी देख सकते हैं, अगर सिग्नल सेटिंग के लिए आपको नज़दीक से नहीं दिखा दे रहा तो आप इसको जूम कर सकते हैं और आप अच्छी तरह से धूप में भी देख सकते हैं इसको। और देखिए ग्रीन कलर से इसका म्यूट ऑन ऑफ होता है, मतलब जो बजर का साउंड है उसमें वो म्यूट कर सकते हैं आप। और देखिए मैंने इसको जूम भी कर दिया है, ये काफ़ी अच्छा फीचर है इसमें दोस्तों, मतलब आप दूर भी है तो आप इसको देख सकते हैं सिग्नल को। तो उसके बाद देखिए स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम तो ये अभी नहीं दिखने वाला है, जब भी आपकी LNB इसको कनेक्ट होगी तो आप इसको देख सकते हैं, ये सिर्फ ग्राफ दिखाता है। और उसके बाद आता है एंगल कैलकुलेशन, एंगल कैलकुलेशन में आप जो भी डिश सेट करने वाले हैं उसको किस डायरेक्शन में घुमाना है और किस डायरेक्शन में इसकी लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड अजीमुथ आती है, आप इसको आसानी से सेट कर सकते हैं। ये कॉन्स्टेलेशन है, इसके दो पार्ट है, फ्रिक्वेंसी और प्रोग्राम के द्वारा आप इसको सेट कर सकते हैं, तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं गिरेगी। तो अभी इसमें चैनल नहीं बता रहे दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई भी चैनल सेट नहीं है, इसको हमको सेट करना पड़ता है। तो देखिए सेटिंग में जाके क्या क्या ऑप्शन है, टाइम सेट है तो इसकी इसका कुछ लेना देना नहीं हमको इसमें। ये टाइमर सेटिंग है, आप कोई भी चैनल टाइमर लगा के देख सकते हैं। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज भी आपको 9-10 टाइप की मिल जाएगी, इसमें लैंग्वेज है, लेकिन आपको इसका कुछ आप इंग्लिश में आपको समझ में आएगा। तो उसके बाद लैंग्वेज सेटिंग है, इसका कुछ इतना इफेक्ट नहीं गिरेगा। लेकिन फाइंडर सेटिंग, फाइंडर सेटिंग में देखिए लैंप ऑफ ऑन, देखिए जैसे आप नाइट में काम करते हैं इसका
तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो लैम्प ऑन ऑफ देखिए, इसमें सिस्टम है, टॉर्च भी है इसमें। जैसे कि आप नाइट में काम कर रहे हैं कोई भी, तो आपको ये लैम्प ऑन होने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आप रात में भी काम कर सकते हैं। और ये बैक लाइट ऑन ऑफ, मतलब जो भी आपकी स्क्रीन है वो ऑन रहेगी या ऑफ रहेगी, ये सेटिंग है इसमें। ये और बजर्स का साउंड, जब भी आपका सेटिंग सिग्नल सेटिंग होगा तो बजर साउंड करेगा। और ये कीपैड टोन, देखिए जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, और की अपनी आवाज़, जब भी आप की प्रेस करते हैं तो इसका आवाज़ देखिए आती है। फ़िलहाल मैं इसको ऑफ ही रखूँगा। तो बढ़ते आगे, तो ए वी सेटिंग ये आपके लिए, मतलब आप कुछ भी, जैसे टीवी में देख सकते हैं आप, डीटीएच लगाने के बाद भी आप ए वी सेटिंग, मतलब डीवीडी वगैरह लगा सकते हैं, वैसे इसमें भी है ए वी कंट्रोल, ए वी आप लगा सकते हैं। लॉक कंट्रोल भी इसमें, मतलब आप मेनू को लॉक कर सकते हैं। इसमें पासवर्ड भी है, तो इसका पासवर्ड आपको मैनुअल में मिल जाएगा। जो भी आपको मैनुअल मिली है, मैनुअल को पढ़ लीजिए, उसमें आपको पासवर्ड शायद 000 4 बार 0 है। और ओएसडी सेटिंग देखिए, ट्रांसपेरेंसी आपको कितनी रखनी है इसकी भी सेटिंग है। ओएसडी टाइम आउट, मतलब कितने सेकंड के बाद आपका ओएसडी ऑफ होने को है। और चैनल स्विच फ्रीज है या ब्लैक, जो भी सेटिंग है आप देख लेना, अच्छी सेटिंग है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। और उसके बाद आते हैं कलर सेटिंग। कलर सेटिंग में ट्रांसपेरेंस देखिए, ब्राइटनेस, क्रोमा और कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए इसको एडजस्ट कर लीजिए आपके हिसाब से, आपको जैसा चाहिए आप इसको अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर है इसमें। मैं इसको देखिए ब्राइटनेस एकदम अभी कम कर रहा हूँ, ज़्यादा कर रहा हूँ, और एकदम वर्किंग कर रहा है दोस्तों, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्रोमा देखिए, इसमें कलरिंग थोड़ा इफ़ेक्ट होता है, कंट्रास्ट ब्लैक या होता है। तो अच्छे से आप इसको सेट कर लीजिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो बढ़ते आगे, तो ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट का भी देखिए आप, मैं इसको सेव कर लेता हूँ और चलते हैं आगे। अभी देखिए चैनल में जाते हैं हम, चैनल में क्या फीचर है। तो टीवी चैनल देखिए, चैनल तो आपको अभी नहीं बताने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इसको कुछ LNB या डिश का केबल लगा के आप इसको फाइंड करना पड़ता है, उसके बाद आपको ये दिखाई देंगे। देखिए क्या लिख के आ रहा है, नो चैनल प्लीज़ इंस्टॉल फर्स्ट। तो ये जब आप में इसको LNB का केबल जॉइंट लगाएंगे तभी आप ये सेट कर सकते हैं। देखिए ये कनेक्टर लगाना पड़ता है LNB के पोर्ट में, और उसके बाद आप इसको, जो भी आपका छतरी का LNB का केबल आ रहा है उसको लगा देना है। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, मैं इसके ऊपर फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, कि नेक्स्ट वीडियो हमारा यही होगा कि इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, इसके चैनल कैसे लाने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिले। और देखिए इसमें EPG, ये फीचर अभी काम नहीं करने वाला है, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। और ये देखिए इसमें मीडिया, मीडिया में जाते ये आपको पेन ड्राइव लगाने के बाद आपको ये काम करेगा। आप इसमें फाइल देख सकते हैं, कोई भी मीडिया, ऑडियो ऑडियो पिक्चर वगैरह, वीडियो वगैरह सभी देख सकते हैं। इसको आपको पेन ड्राइव लगाना पड़ेगा, और USB करके आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें चार पांच फीचर और एक्स्ट्रा है दोस्तों, जो कि पिछले जो भी आज तक आए हैं हमारे सैटेलाइट डीबी मीटर, उसमें ज़्यादा कुछ भी ये नहीं है। ये अपग्रेड का सिस्टम है दोस्तों, देखिए ये सिस्टम इंफॉर्मेशन मॉडल नंबर SF810DLX, सॉफ्टवेयर वर्जन। और ये जो भी मीटर है, इसमें कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, एकदम ओरिजिनल कंपनी का है, इसलिए ये सॉलिड एकदम ब्रांड है दोस्तों, ये चाइना का मॉडल नहीं है। आपको एकदम सेफ मिलता है, ये बिल्कुल सेफ है आप इसके साथ। तो देखिए, और देखिए इसमें ब्लिंकिंग के जो नीचे आ रहे हैं,
और रेड वाला हमारा लाइट है वो अभी पावर का है, मतलब हमारा मीटर चालू है, और ये लॉक का है, एक चार्जिंग का है, ये लॉक का है, और ये हमारा 22K टोन का है, ये 13 वाट का है और 18 वाट का है। और ये फाइंड का बटन देखिए, यही से जैसे आप इसको यही से फाइंड का बटन दबा के सेट कर सकते हैं, मतलब आपको डायरेक्ट मेनू में जाने की ज़रूरत नहीं, फाइंड का बटन दबाए आपको सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और ये मेनू और एग्जिट के लिए, एग्जिट और स्पेक्ट्रम के लिए एक स्पेशल बटन है। और ये मेनू, और देखिए नीचे में और बटन है, मैं आपको बता देता। और ऊपर देखिए सॉलिड का लोगो लगा है, ये एकदम ओरिजिनल कंपनी है दोस्तों, इसमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई भी परेशानी आपको आने वाली नहीं है। और अगली वीडियो में इसके चैनल कैसे सेट करने वाला हूँ तो इसके ऊपर बनाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये देखिए एवी की बटन, मतलब आपको कुछ भी कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप का कुछ भी इसमें चलाना होगा, वीडियो ऑडियो पिक्चर वगैरह, तो आप इसको देख सकते हैं एवी के बटन के थ्रू। और ये मेनू, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे तो ये काफ़ी मीटर अच्छा लगा दोस्तों, अगर आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए, और कोई भी मन में सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और इसका प्राइस वगैरह हम अगली वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए दोस्तों क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।